cloning. Recently, the China cloned the super cow. Super cow can produce the 100 ton of milk per cow during lifetime. एक दिन में नहीं है, 100 tons एक दिन में नहीं करेगी. During the life of the cow, it can produce the milk in a day. So 100 tons is very huge amount. अगर normally cow देखोगे, they are producing only the 5-6 liter in a day. So this is the मतलब कि they are moving toward the cloning purpose. And the first animals was cloned was the dolly sheep. Cloning process में mainly biotech भी use होगा. तो उसमें स्पेसिफिकली तो बायोटेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी ऑल्सो इट्स इम्पोर्टेंट लाइक द थ्री चिल्ड्रन बेबी आई ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन सिमिलर इन द काइंड ऑफ फॉर द क्लोनिंग वी आर टेकिंग द ओवा फ्रॉम द फीमेल एंड द स्पर्म फ्रॉम द मेल एंड देन इंट्रोड्यूसिंग टू द थर्ड पर्सन में जाता है और जो भी उसमें एडिटिंग करना होता है क्लोनिंग के थ्रू दैट्स गो थ्रू द सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल्स आर द सेल ऑफ द बॉडी विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ द क्लोन और सेम टाइप ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स फ्रॉम द वन पर्सन टू द अनदर. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बट इज द प्रोसेस कैसे काम करता है प्रोसेस एंड द सेकंड इज द सोमैटिक सेल्स. व्हाट आर द सोमैटिक सेल्स? क्लोनिंग इज लीगल और इलीगल? ठीक है, क्लोनिंग इज अ टेक्निक सबके लिए ही इलीगल है अभी तो. इवन फॉर द एनिमल्स भी इलीगल नहीं, ओनली रिसर्च पर्पज दे कैन यूज, वो भी आफ्टर द क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. क्लोनिंग इज अ टेक्निक यूज टू मेक द एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज लाइक अ sometimes siblings is also the same cloned. एक gametes में जब division होता है during the pregnancy, twins जो होते हैं, that's also the region. तो दो तरीके से हो सकता है types में, therapeutic हो सकता है और reproductive भी हो सकता है. Therapeutics cloning aim to clone cells that make a particular organ or a type of the tissue that is required, like the kidney किसी को बनाना है through the cloning. They are taking the somatic cells through the kidney and they can make a different organs of the body. Similarly in the case of the reproductive produce not an organ but entire human being. इसको completely produce किया जा सकता है और पहले ऐसा like experiment भी हुआ है किसी country में but due to the world regulations की वजह से उसको रोक दिया गया कि this cannot be happen, ऐसा नहीं होना चाहिए. Therapeutics की तरफ तो जा रहे हैं so that की जो health spending है लोगों का वो कम हो जाए और easily availability को बढ़ाया जा सके. Like जो 3D printing है वो इसमें से ही कंसेप्ट जनरेट हो रहा है दैट कैन बी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन्स. तो कैसे काम करता है स्पेसिफिकली, तो इफ वी सी दिस इज द एडल्ट वी कैन दिस इज सरोगेट मदर. सरोगेट मदर का कंसेप्ट एवरीबॉडी नोज दैट कंसेप्ट सरोगेट मदर्स. तो दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल. उल्टा है, दिस इज द फीमेल दिस इज द मेल. ठीक है, सो न्यूक्लियस डोनर से दे विल टेक द डोनर सेल फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड. डोनर सेल नॉर्मल ग्रोथ सेल से यहां से मेमरी ग्लैंड लेंगे एंड यहां से दे विल टेक द सम ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया एनीवेयर जहां से उनको रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ऑर्गन्स को दे विल टेक इट अप एंड थ्रू द टेक्नोलॉजी माइक्रो पिपेट के थ्रू जो भी उसमें दे वांट टू ऐड द सोमैटिक सेल्स हियर एंड यहां से डोनर सेल्स को ग्रो कराएंगे इन आर्टिफिशियल कंडीशंस में. दे विल ग्रो द आर्टिफिशियल कंडीशंस एंड देन द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस डीएनए यहां से एग सेल्स के साथ इसको फ्यूजन करा देंगे. जो आर्टिफिशियल कंडीशंस में हमने बनाया फ्रॉम द दिस पर्सन तो यहां से इसके साथ फ्यूजन कराया हमने. जो रिक्वायरमेंट है एज अ क्लोन थ्रू द सोमैटिक सेल्स दैट कैन बी डन थ्रू द एग सेल्स ऑफ द फीमेल एज वेल एज द सेल ऑफ द मेल. तो इस केस में बोथ कैन बी फर्टिलाइजेशन जो हुआ इनसाइड द सेल, द फर्टिलाइजेशन इन द इनसाइड द सेल एंड जो एम्ब्रियो को इंट्रोड्यूस किया गया दैट विल बी इंट्रोड्यूस इन टू द सरोगेट मदर. तो दो तरीके की कंडीशंस हो सकती है. वन कैन बी द विवो इन विवो, अनदर कैन बी द इन विट्रो. इन विवो आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो इनसाइड द बॉडी की कंडीशंस में हो सकती है. व्हेन द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी दिस इज नोन एज द आउटसाइड फर्टिलाइजेशन ऑफ द बॉडी के. जब एम्ब्रियो इनसाइड द बॉडी फॉर्म होगा तो दैट कैन बी द इनसाइड द बॉडी. तो इस केस में एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया गया तो नोन एज द इन विट्रो केस में इसको बनाया गया. तो सिमिलरली हर केस में वी आर यूजिंग कि जब भी हमें क्लोन बनाना होता है तो वी आर टेकिंग द सेल्स फ्रॉम द मदर, वी आर टेकिंग द सेल्स फ्रॉम द फादर एंड दैट कैन बी द क्लोन कैन बी जनरेटेड इन एनी केस. सिमिलरली अगर यहाँ पे शिप की जगह काउ होगा तो सेम ही प्रोसेस फॉलो होगा. तो क्लोन में मेनली प्रोसेस होता है जो न्यू रिप्रोडक्शन होगा दैट्स द सेम क्लोन एज अ मदर और फादर. इसमें क्या है कि इन नॉर्मल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वी आर यूजिंग द गैमेट्स we like an egg from the female and the sperm from the male. In this case, we are using the cells, somatic cells.
दैट कैन बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. तो दोनों में डिफरेंस यही है. नॉर्मल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में गैमेट्स यूज होते हैं मेल एंड फीमेल्स के, यहाँ पे सोमैटिक सेल्स यूज होती है. सोमैटिक सेल का मेन फंक्शन यही होता है कि यू कैन जनरेट द क्लोन फ्रॉम दोज सेल्स. तो दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस वही रहता है. तो मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, देर कैन बी द थ्री मेथड्स. नेचुरल मेथड से भी हो सकता है, लाइक वी कैन से ड्यूरिंग द नेचुरल मेथड में आप ट्विंस देखते हैं. That can be जब there is a division in the like egg cells में division हो जाता है in the female body, तो twin can be generated. तो उस केस में this is known as the natural methods. This happen naturally when one embryo spontaneously divide into the two or more embryo. तो जब twin baby होते हैं तो in case में this is known as the natural methods of the cloning. In the case of the artificial methods, an existing embryo is mechanically divided into two or more embryo that are then allowed to develop naturally. तो उस केस में we can take out the embryo outside and cut the embryo into two parts and then can be again inserted into the body, so that can be done the artificially in that case. And the artificial and the donors through the use of the somatic cell jo abhi humne dekha, that is the part of the artificials and the donor. So teen cases ho sakte hain, one is the natural process mein, another is the artificial process, and the third is the artificial and the donor process. In the artificial and donor process we are using the somatic cells, lekin wahan pe natural process mein the gametes use hote hain male and females ke. So this is the difference between the artificial, natural and the artificial and the donor process. So somatic cells ke mainly characteristics kya hain? That's the important for the examination. Are they responsible for the growth and the development of an organism? They are undergoing the mitosis and contain the same set of the chromosome as the organism. अगर आप में 23 क्रोमोजोम है ना, सेम पैटर्न के क्रोमोजोम होंगे, एंड जो क्लोनिंग बॉडी है उसमें भी सेम पैटर्न के क्रोमोजोम होंगे. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सोमैटिक सेल्स. दीज सेल्स कैन जनरेट इवन द पार्टिकुलर ऑर्गन्स एंड ऑल्सो कैन जनरेट द फुल ह्यूमन बींग्स. सोमैटिक सेल्स हैव अ डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम एंड कंपेयर टू द गैमेट्स. डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स के मतलब दो सेट एक साथ होंगे. दो कंडीशन होती है, वन इज द हैप्लॉइड, अनदर इज द डिप्लॉइड. हैप्लॉइड में देयर इज अ सिंगल क्रोमोजोम, बट इन द केस ऑफ सोमैटिक सेल देयर इज अ डिप्लॉइड क्रोमोजोम. तो अगर हम नॉर्मली प्रोसेस देखते हैं, इन द मेल देयर इज द एक्स एंड वाई, इन द फीमेल देयर इज एक्स एंड एक्स. बट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन वन फ्रॉम द मेल, इधर इट्स एक्स और इधर इट वाई विल गो टू द चिल्ड्रन. हेयर बोथ द फॉर्म ऑफ द एक्स विल गो. अगर एक्स एक्स के थ्रू जाता है देन इट कैन बी द फीमेल, और एक्स वाई इट्स अ मेल. तो इस केस में गोइंग ओनली द सिंगल क्रोमोजोम इज गोइंग, दिस इज नोन एज द हैप्लोइड. अगर वहां पे इन केस में दोनों जा रहे हैं, दिस इज नोन एज द डिप्लॉइड, क्योंकि हमें सेम ह्यूमन बींग चाहिए. तो सीधा अंडरस्टूड है कि बोथ जाएंगे तो द सेम ह्यूमन बींग और द सेम एनिमल्स विल बी देयर थ्रू द सोमैटिक प्रोसेस. तो ये हैप्लोइड डिप्लॉइड का कंसेप्ट होता है. इसमें प्लांट्स में भी सिमिलरली इट कैन बी यूज फॉर द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑन द प्लांट्स. सेम वेराइटी को बढ़ाने के लिए वी कैन यूज द दिस प्रोसेस, क्लोनिंग प्रोसेस इन द प्लांट एज वेल. प्लांट्स में भी इट्स नेचुरली, इट्स आर्टिफिशियली, बोथ केसेस में इट कैन बी डन. The somatic cell are used for the cloning by which can be identical clone of an individual can be produced. Somatic cell nuclear transfer ke through it can be happen. It is implanted into the uterus and we can get the identical clones. And somatic cell are used to conserve the genetic information of the animals. The regions jo diye hain somatic cells mein, kyunki it's having the same genetic information that person having jahan se humne somatic cells ko liya hai. So this is the only region they are producing the identical offspring in the case of the cloning. So somatic cell ka hi sabse bada role hai. So more type of the question can be there. Somatic cells ke baare mein ho sakta hai. What is the totipotent cell? What is the pluripotent cell? तो इस तरीके से the question can be asked. Totipotent and pluripotent में difference होता है divisions पे. Totipotent can be divided continuously, but pluripotent after a time they cannot divide. तो इस तरीके के questions they can be framed. तो means back to basics. ऐसा नहीं है कि चाइना ने अभी काउ बनाया तो वो specifically काउ पे पूछेंगे. They will go to the basics of the biotechnology. They will ask the question of the somatic cell and they will can also ask the question of the type of the cells. Like WBC पे पूछा, RBC पे पूछा है. A similar kind of the question can be on the somatic side.